मंदिर के लिए पुजारी रखा जाता है उसकी सैलरी 60,000 से ऊपर की बताई जा रही है, वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है बकायदा और पीएचडी वाले पकौड़े बेच रहे हैं। यही है, अयोध्या भी जा सकती है, देखे व्हील से ये बिल्कुल मंदिर पे भी जा सकते हैं, पूरे देश में कहीं भी बेच सकती है पकौड़े। अगर दलित के हाथ का खाएंगे तो बेरोजगारी स्पेशल चाय भी है एवरी डे बिल्कुल, तो बताऊंगे ना बिल्कुल जोमेटो में भी बिकेगा। अरे आवाज लगा के बुलाओ, तुझे कैसे बुलाओगी? पकोड़े ले लो पकोड़े, बेरोजगारी चाय, बेरोजगारी पकोड़े। और आखिरी चीज ये है, इसमें सब में मोदी जी ये कर क्यों पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है किसी का वोट नहीं चाहिए, उन्हें एक नागरिक का वोट नहीं चाहिए, ईवीएम से जीतेंगे ना वो। अभी हम ईवीएम का भी इलाज करेंगे करेंगे। आप दलित समाज से, लग रहा है आपके पकौड़े कोई खाएगा? मैं वही चैलेंज है, देखते हैं। वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके सामने पहला ग्राहक मैं। तो बीजेपी की ये हमेशा से आरएसएस की स्ट्रैटेजी रही है कि पढ़े लिखे युवा को भटकाओ ताकि वो उलझा रहे रोजगार के मसले में, और मोदी जी अच्छे अच्छे आइडिया देते रहे कि पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचना भी तो रोजगार है। तो मैं चाहूंगी कि इस पे सर जरा थोड़ी सी लाइट रखे कि हमने क्यों किया और क्यों जरूरी था, क्योंकि अदरवाइज अगर हम ये जैसी हक, अपने हक की बात नहीं करते, नहीं लड़ते, तो मेरे लिए यहाँ पे सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट किया, किसान जब बैठे मैं उनसे पहले की बैठी हूँ, यहाँ पे 144 लगा दी, इलीगली मेरा प्रोटेस्ट उठाया, पीसफुल तरीके से मुझे प्रोटेस्ट भी करने नहीं दिया जा रहा, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? यही ऑप्शन है ना मेरे पास, कुछ तो करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे किसी से। पीएचडी पकौड़े वाली स्टॉल लगाया है क्या? मोदी जी भी कहते हैं रोजगार नहीं है तो आप पकौड़े करिए, तो क्या मोदी जी की बात आपने इम्प्लीमेंट की यहाँ पर? मोदी अब इसको इम्प्लीमेंट कह लो या इस चीज का जवाब देना कह लो कि एक प्रीमियम यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी लिखी लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि आपने सारे क्रिमिनल्स को अंदर भर्ती करके रखा है, इसीलिए हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन यही है पकौड़े बेचने का। मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ ना, आज खुश तो बहुत होंगे वो, आज मोदी जी, भागवत जी, अमित शाह जी खुश तो बहुत होंगे वो आज के उनकी मन मांगी मुराद पूरी हो गई। आज के डॉक्टर जीतू जैसी पढ़ी लिखी होनहार सबसे अच्छी प्रोफेसर को आज पकोड़े बेचने पे मजबूर कर दिया उन्होंने। मोदी जी यही चाहते थे ना आप? यही चाहते हो ना आप? सारी यूनिवर्सिटीज बंद करा के यूनिवर्सिटीज में इतनी महंगी पढ़ाई कर दो, आपने कितने बैरियर्स लगाए ताकि लोग पढ़ ना सके, पकोड़े बेचें, आप पकोड़े ही बिकवाना चाहते हो ना, आप वापस सड़क पे बिठाना चाहते हो ना, 5 किलो अनाज का मोहताज बनाना चाहते हो ना सबको। ये डॉक्टर ही तो आपकी मोहताज नहीं बनेगी, ये भीख नहीं मांगेगी, ना सरकारी भीख मांगने को तैयार है, ना किसी और तरीके से, इसकी तनख्वाह बंद कर ली, इसको अपना आवाज उठाना भी बंद करा दिया ना धारा 144 लगा के, कि तुम आवाज भी ना उठाओ, तुम्हारे सब रास्ते नौकरी प्राप्त करने के लिए मैंने बंद कर दिए, पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं करने दूंगा, अरेस्ट नहीं करने दूंगा, तुम्हारी चार्जशीट फाइल नहीं होने दूंगा ठीक से मैं। ये मोदी जी और अमित शाह जी करा रहे ना, कर लिया ना, क्या डॉक्टर इतनी डरी? चुप जाना। क्या आज देश का नौजवान डरेगा? नहीं डरेगा। और ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है इन नौजवानों की जरूरत नहीं है, ने? पकोड़े तलने के लिए आ गई है। ऐसी क्या मुसीबत आ गई डॉक्टर ऋतु के सर पे? मोदी जी मुसीबत है। मोदी जी पूरे देश के हर इफेक्टिव लोग, हर समझदार व्यक्ति, हर पढ़े लिखे व्यक्ति, हर जो की कारीगर है, जो भी अपनी मेहनत करके खाना चाहता है, उसके लिए मुसीबत ही तो है। जुमलेबाजी कर करके 15 लाख दूंगा, ये दूंगा, बेरोजगारी मिटाऊंगा, किसानों को पेंशन दूंगा और बेरोजगारों को पेंशन भत्ता दूंगा, क्या क्या झूठ बुलवा लिया। हकीकत ये है, जो लोग पढ़ लिख के बढ़िया बढ़िया नौकरियां ले सकते हैं, उनको मार मार के, पीट पीट के, नौकरियों से धक्के दे के, निकाल निकाल के ये हालत कर दी, गई सड़क पे आके पकौड़े बेचने के लिए और दूसरे ऐसे काम करने के लिए तैयार हो जाए जिसको करने के लिए शायद उन्होंने पढ़ाई नहीं की। सांकेतिक धरना है ना सर? धरना नहीं है, मजबूरी है, आप इसको धरना मान रहे हैं। मोदी जी ने मजबूर किया है अपनी सारी सत्ता की ताकत इस्तेमाल करके, और हरेक बेरोजगार को, हरेक पढ़े लिखे बेरोजगार को यही करवाने के लिए मोदी जी ने ओपनली बोना भी है, और उसके लिए वो पूरी साजिश करके सरकार की सारी ताकत लगा के, पुलिस की ताकत लगा के, सरकारी अफसरों की ताकत लगा के हर पढ़े लिखे नौजवान को मजबूर कर रहे हैं कि वो ये रास्ता करे। तुम्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी, नौकरियां मिलेंगी DRDO के साइंटिस्ट जैसे बेईमानों को, जो RSS के मेंबर होंगे और जो देश की सुरक्षा का कॉम्प्रोमाइज करेंगे और देश की सुरक्षा बेचेंगे। नौकरियां RSS वालों के लिए रिजर्व है और बाकी सब पढ़े लिखों के लिए ये फुटपाथ रिजर्व है, ये मोदी जी की रिजर्व। तो आपका तो नारा है ना नौकरी नहीं न्याय चाहिए, तो ये हम नौकरी की बात कहां से अचानक? न्याय ये नौकरी थोड़ी है, ये नौकरी है, ये स्वयं रोजगार है।
स्वयं का रोजगार है, नौकरी नहीं चाहिए अभी भी। तो फिर आए मोदी जी की बात मान रहे हैं इसका मतलब? बिल्कुल मान बनाने को बोला था, बिल्कुल मान रहे हैं, लेकिन विरोधात्मक रूप से कि ये मोदी जी का चाल चरित्र और चेहरा एक्सपोज करने के लिए, और ये मजबूरी भी एक तरह से, वो क्या करे अब खाना कहाँ से खाएगी और बता दो आप मुझे। लेकिन क्या तो प्रभावित हो गए हैं उनकी बात से? मोदी जी ने बोला था पकोड़े बेचना रोजगार है, आप लोग पकोड़े का ठेला ले। प्रभावित नहीं, प्रताड़ित हो गए उनकी बातों से। उनके हर बात से देश का हर नागरिक प्रताड़ित ही तो होता है, प्रभावित नहीं होता है, प्रताड़ित होता है, मजबूर है। अगर वो ये कहेंगे कि कल को कपड़े नहीं है ना तो नंगे घूमो, और योगा करके आप लोग एक कच्चे में घूमो, योगा करके आपको ठंड नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, आप योगा सीखो। मोदी जी ये भी कह सकते हैं, फिर अगर लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे कपड़ा खरीदने के तो क्या करेंगे, नंगे ही घूमना पड़ेगा ना सबको। मोदी जी की हर बात से आप सहमत हो जाते हैं क्या? मोदी जी की हर बात प्रताड़ना होती है, पूरे देश के खिलाफ साजिश होती है। मोदी जी की हर बात का शिकार देश का हर नागरिक होता है, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को छोड़ के। आप बोल रहे धरना नहीं है, आपके नाम देखिए जो लिस्ट आपने बनाई है, जुमला पकौड़ा बेरोजगारी चाहे। नाम रखने का भी अधिकार नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। इसमें से कौन सा नाम झूठा है बता दीजिए आप। मोदी जी की 56 इंच की छाती है, नहीं है। 15 लाख दिए, नहीं दिए। 2 करोड़ रोजगार दिए, नहीं दिए। अमित शाह जी ने तो सिखाया ये वर्ड जुमला, अमित शाह जी उनके उनके वो है ना सलाहकार भी हैं, उनके फ्रेंड फिलोसोफर गाइड चाणक्य पता नहीं क्या क्या बोलते हैं अपने आप, चाणक्य क्या है मुझे पता नहीं चाणक्य क्या होता है, लेकिन जुमला तो उन्होंने ही बोला, मोदी जी जुमला बोलते हैं। तो ये मोदी जी के झूठ से इंस्पायर होकर जुमला पकौड़ा है, गलत नाम थोड़ी है। नहीं नहीं, पकौड़ा तलने के जो आपने कहा नौकरी तो दे रही है हमको, देखिए प्रशासन हम नौकरी ले नहीं रहे, पर देखिए कहाँ दे रहे हैं नौकरी। आपने कहा था सर पहले कि नौकरी क्या दे रहे हैं, नौकरी का लालच दे रहे हैं कि जैसे आरएसएस के लोग देश से गद्दारी करते हैं। आप पढ़ाई नहीं कराओगे, आप ये पढ़ाओगे कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी देश में चोरी नहीं कर रहे, ये पढ़ाओगे तो ऐसी जमीर फरोशी की, ऐसे झूठ की नौकरी थोड़ी करनी है। वो DRDO का साइंटिस्ट थोड़ी बनना है कि पाकिस्तान को देश की सुरक्षा बेचेंगे, ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। ऐसी नौकरी देने की कोशिश कर रहे थे कि गले में पट्टा बांधेंगे तुम्हारे और तुम भौंकोगे आरएसएस के फेवर में, ये नौकरी नहीं चाहिए। पढ़ाई किस लिए की थी, टॉप किस लिए किया था, फर्स्ट डिवीजन किस लिए लाई थी, नौकरी अधिकार है। नौकरी सब आरएसएस के लोगों को हटा के आम जनता का लेना अधिकार है। जितने भी आरएसएस के लोग कहीं भी बैठे हैं किसी भी पद पे, वो हटाए जाने लायक हैं और उनकी जगह दूसरे लोग जो कॉम्पिटेंट है वो बिठाए जाने योग्य हैं, ये अधिकार है। डॉक्टर ऋतु को नौकरी जो दे रहे थे वो डॉक्टर ऋतु को नहीं चाहिए, पहली नौकरी नहीं चाहिए, आखिरी नौकरी चाहिए जब सब बैकलॉग की नौकरियां दे दी जाएंगी, जब सबको न्याय मिल जाएगा, जब कोई भी पढ़ा लिखा प्रोफेसर पकौड़े बेचने के लिए मजबूर नहीं होगा, तब डॉक्टर ऋतु को आखिरी नौकरी चाहिए। अब यही रास्ता है न्याय का डॉक्टर ऋतु, ये भी एक रास्ता है। पूरे देश में ये पकौड़े बेचेंगी जाके, प्रधानमंत्री जी के ऑफिस के बाहर भी जाके बेचेंगी, होम मिनिस्टर साहब के भी बेचेंगी, वाइस चांसलर साहब के यहाँ तो आज बेच ही लिए, पूरे देश में जाके बेचेंगी पकौड़े, और क्या करें बताओ आप, आपके पास कोई रास्ता है आप मतलब बता दो। लगातार ये चलता रहेगा ये ठेला, तो ये देखिए एक एक दो तरह के कियोस्क होते हैं, दो तरह के वेंडिंग वेंडर्स होते हैं, एक मूविंग वेंडर्स होते हैं, एक मूविंग ठेला लगाने वाले होते हैं, एक स्टेशनरी होते हैं। तो ये ठेला लगाने वाली जो मूविंग होते हैं ना, जो घुमंतु ठेला लगाने वाली होती है, वो इन्होंने किया है पूरे देश में, आवाज़ लगा के पकौड़े तलेंगी भी और बेचेंगी। मतलब पीएम ऑफिस तक पहुंचेंगी आप बोल रहे हैं? पीएम ऑफिस की सड़क के बाहर भी पकौड़े लगाने की इजाजत है, मोदी जी ने तो आह्वान दिया है, तो वो तो आगे हो सकता है बाहर खरीद ही ले। आह्वान के उन्होंने बताया ना कि ये भी एक रोजगार है ना इस तरीके का, जो लोग पकौड़े का ठेला, उसे आप रोजगार नहीं मानते क्या? हम तो मान रहे हैं ना, जब ही तो कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर के लिए ये रोजगार नहीं। आंदोलन के बीच में अचानक पीएसडी वाले पकौड़े, आंदोलन 144 लगा रखी है ना मोदी जी ने, तो लगाई खुद, करने दो आंदोलन, तब आंदोलन करेगी। आंदोलन तो कर ही रहे हैं रोज, आप देखिए ये आंदोलन परमानेंट बैठने का जो आंदोलन है, मोदी जी और अमित शाह जी यहाँ पे 4 बार जो शुद्धिकरण कराया वो कैसे ठीक होगा पहले ये बताओ, शुद्धिकरण को अशुद्धिकरण कैसे होगा, उसका कोई रास्ता है वो मोदी जी बताएं या हम लोग बताएंगे कैसे अशुद्धिकरण होगा इसका? कैसे होगा? वाइस चांसलर को हटा के, वाइस चांसलर आकर अपने कपड़े उतार कर उससे साफ करेंगे, जब अशुद्धिकरण होगा, जो गंगा जल से धोया था ना उसका निवारण ऐसे होगा। वाइस चांसलर और जो रजिस्ट्रार हैं और जो प्रॉक्टर हैं जिन्होंने ये शुद्धिकरण कराया था, वो सब आएंगे, अपने कपड़े उससे कोट उतारेंगे और अपनी शॉल उतारेंगे डॉक्टर साहिबा, और उससे साफ करेंगे जब हमारे लिए साफ होगा। तो अगर आंदोलन नहीं करने दिया गया तो ठेला कितने दिन चलने देंगे? ठेला भी रोक लेंगे तो हम कुछ और करेंगे, देश ये मोदी जी का देश है ना इस वक्त, तो यहाँ पे अत्याचार, बिल्कुल कुछ करते रहे, इंसाफ के लिए हर काम करना, संविधान बचाने के लिए हर काम करना हमारा हक भी है, ड्यूटी भी है, और आखिरी चीज ये है इसमें सब में
मोदी जी ये कर क्यों पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है किसी का वोट नहीं चाहिए, उन्हें एक नागरिक का वोट नहीं चाहिए, ईवीएम से जीतेंगे ना वो। अभी हम ईवीएम का भी इलाज करेंगे और उसका भी बहुत जल्दी इलाज का एक बड़ा आंदोलन हम करने वाले।